अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आर्थिक परेशानी के कारण उपजे गृह कलेश में एक मां ने अपने दो मासूम बच्चों की गला घोटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, रात भर मृत जिगर के टुकड़ों के बीच आंसू बहाती रही महिला ने सवेरा होने पर खुद ही शोर मचाकर इस मामले की जानकारी दी। घटना के दौरान महिला का पति कारोबार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। आवेश में आकर दिल दहला देने वाली यह वारदात यूपी के बागपत जिले के छपरौली कस्बे की है। फर्स्ट बाइट सहयोगी अंजू चौधरी ने बताया कि छपरौली निवासी गुलाब कुरैसी फेरी लगाकर कपड़े बेचता है। फिलहाल वह इस सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी अंजुम 5 साल के बेटे उमेर व 3 साल की बेटी अंशिका के साथ घर पर थी। बीती रात अंजुम ने किसी समय बेटे उमेर व अंशिका की गले दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद उसने खुद को भी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उठकर शोर मचा दिया कि उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी है। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अंजुम कमरे के एक कोने में बैठकर रो रही है और उसके दोनों बच्चे चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके गले में चुन्नी का फंदा लगा हुआ था। पुलिस ने अंजुम को हिरासत में लेकर बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस बारे में बता रहे हैं CO बड़ौत आलोक सिंह। देखिए, छपरौली कस्बे में एक दंपति रहते हैं जिनकी 10-12 साल पहले शादी हुई है और उसमें आपस में कुछ घरेलू गृह कलेश हो गया था। उनका आपस में विवाद था पति से। पति नाराज होकर कल कपड़ा बेचने अपने व्यवसाय के लिए फरीदाबाद चला गया था और इसी परेशानी में इसने आज दोनों बच्चों का गला दबा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और इनको उसको हिरासत में ले लिया गया महिला को और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई आर्थिक तंगी का भी कारण सामने आया? इनके आपस में घरेलू विवाद की बातें सामने आ रही हैं और तफ्तीश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।